हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस लेटर्स की। पिछले वीडियो में हमने कौन से टॉपिक कवर किए थे? एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड लेटर टू एडिटर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस लेटर्स। ओके, तो बिजनेस लेटर्स बेसिकली जो बिजनेस लेटर्स है वो 11, 10, 12 में पढ़ाया जाता है इंग्लिश राइटिंग सेक्शन में। ठीक है, लेटर्स जितने भी मार्क्स के आते हैं जो एग्जाम में वो 6 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट इज फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, ये 6 मार्क्स के होते हैं। और बिजनेस लेटर बहुत टाइप के होते हैं, चार या पाँच टाइप के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस लेटर होते हैं फर्स्ट प्लेसिंग ऑर्डर, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। सेकेंड फॉर इंक्वायरी, फॉर इंक्वायरी और इंफॉर्मेशन। फॉर इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट आता है कैंसलिंग ऑर्डर्स, कैंसलिंग ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट replies to placing order and to inquiries। ठीक है, तो ये चार टाइप्स के लेटर्स होते हैं बिजनेस लेटर्स में। ठीक है, तो बिजनेस लेटर्स में चार टाइप के लेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लेसिंग ऑर्डर। तो प्लेसिंग ऑर्डर में ये होता है कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, उसके लाइब्रेरी में कोई बुक्स की शॉर्टेज होगी, काफ़ी सारी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में, तो कुछ बुक्स की शॉर्टेज होगी तो वो किसी पब्लिशर को जाकर के एक लेटर लिखेगी कि हमारे पास में इस ऑथर की जो बुक्स हैं वो शॉर्टेज हो गई है, प्लीज़ उसकी सप्लाई करिए, प्लीज़ इसको ऑर्डर प्लेस करिए। ठीक है, और फिर बात करते हैं फॉर इंक्वायरी इंफॉर्मेशन की। तो इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन की, मान लीजिए हमारा कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, वो किसी टूर पे जा रहा है ना, तो जो स्कूल का मैनेजमेंट होगा वो एक ट्रैवल एजेंसी को एक इंक्वायरी लेटर भेजेगा कि वो उसमें डाउट्स पूछेंगे कि बच्चों का खाना पीना कैसे होगा, उनका रहना कैसे होगा, है ना, पूरा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, खाने पीने का पर हेड कितना लगेगा, है ना, अकोमोडेशन कैसे होगा, जितने सारे डाउट्स हैं वो सब हमारे क्लियर होंगे फॉर इंक्वायरी एंड इन्फॉर्मेशन में। थर्ड है कैंसलिंग ऑर्डर। मान लीजिए किसी ने डेडलाइन दी थी कि मान लीजिए आज 22nd में है, तो 22nd में मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया, तो डेडलाइन मैंने दे दी 30th में, तो 30th मई तक मुझे ऑर्डर नहीं मिला, हाँ, तो फिर मैं उसको बोल दूंगा कि भैया दिस इज इनफ, ठीक है, वी आर नो मोर रिक्वायर्ड एनी स्टफ फ्रॉम यू, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। ठीक है, तो इतना कैंसलिंग ऑर्डर्स में ले सकते हैं। या फिर एक चीज और लिख सकते हैं, अगर आपको चांस देना है, है ना, एक आप और रिमाइंडर दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए 30th मई हमारी डेडलाइन है, है ना, तो उसको एक और चांस देने के लिए, मान लीजिए 30th मई वॉज द डेडलाइन ऑफ इट, बट आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ तो रिप्लाइज टू प्लेसिंग ऑर्डर एंड इंक्वायरीज। अब मान लीजिए किसी ने मुझे ऑर्डर का प्लेसमेंट दिया, मान लीजिए किसी भी चीज का ऑर्डर दिया, है ना, तो मेरा क्या रिप्लाई होगा वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी फॉर्मेट बताऊंगा, है ना, फॉर्मेट बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, उसके बाद में हर एक एक लेटर्स का मैं एक एक एग्जांपल लेके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एनी लेटर, फॉर्मेट ऑफ एनी लेटर, किसी भी लेटर का फॉर्मेट आपको पहले से पता है। ठीक है, मैं फॉर्मेट बता देता हूं प्लेसिंग ऑर्डर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में वही सब लिखी चीजें लिखी जाती हैं, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हमारा एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, वन लाइन गैप। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा डेट,
डेट जैसे आ जाए तो ऐसे लिखी जाएगी 22 मई 2020, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ऐसे नहीं लिखते हैं डेट, कैसे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखते हैं 22/05/2020, ये डेट लिखने का तरीका होता है गलत, ठीक है, ऐसे डेट नहीं लिखी जाती है। सही तरीका होता है ये 22 मई 2020, ठीक है। फिर से वन लाइन गैप आएगा, वन लाइन का गैप, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ आएगा रिसीवर्स एड्रेस, जहां पे हम भेज रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में, जैसे इंस्टीट्यूट हमारा है ना, तो इंस्टीट्यूट का नाम सेंटर एड्रेस, और जिस पब्लिशर के पास हम भेज रहे हैं तो उसका रिसीवर्स एड्रेस, जो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पे उसकी शॉप है, जहां भी है, रिसीवर एड्रेस। फिर उसके बाद में फिर से वन लाइन का गैप, वन लाइन का गैप, फिर आपके आ जाएगा डे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट 4 to 6 वर्ड्स के बीच में आ जाए, ज्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। फिर से सब्जेक्ट हो गया, फिर वन लाइन का गैप, वन लाइन गैप, इसमें स्टेप मार्किंग होती है, तो ये फॉर्मेट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वन लाइन का गैप हो गया, फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन आ जाएगा, डियर सर, डियर सर या डियर मैम, जो भी है, डियर सर, फिर कॉमा लगा करके हमको यहाँ से अपना कंटेंट लिखना शुरू करना है, ठीक है। टू द पॉइंट लिखना है, कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट लिखना। वी रिक्वायर, वी रिक्वायर से स्टार्ट करना, वी रिक्वायर दिस दिस दिस, ठीक है, फॉर अवर स्कूल, और फिर वहां पे लिख देंगे वी आर इंक्लोजिंग विद द डाटा फॉर व्हाट, जो भी हमको चाहिए, ठीक है। अब इसमें प्लेसिंग ऑर्डर में एक चीज बहुत खास होती है कि हमें जो भी चीज चाहिए होती है वो टेबल में बना के हमें उनको प्रोवाइड करनी होती है लेटर में, तो टेबल में, तो प्लेसिंग ऑर्डर में टेबल बहुत जरूरी होती है। सीरियल नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी चीज है वो, पर्टिकुलर, ठीक है, वुड टेकन, किस लकड़ी से बनी हुई है, मान लीजिए, जैसे कि मैं, मान लीजिए मैं फर्नीचर का एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्नीचर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वुड टेकन, और ये हो गया हमारा क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर, वुड टेकन एंड क्वांटिटी। तो सीरियल नंबर हमारा पहला, मान लीजिए हमने मान ली डेस्क, डेस्क, ठीक है, डेस्क मान लीजिए हमारी होगी टीक की, टीक एक वुड होती है ना, क्वालिटी होती है वुड की, टीक, मान लीजिए हमको डेस्क चाहिए 200। सेकेंड नंबर पे हमको चाहिए अलमीरा, अलमीरा, ये भी हमको मान लीजिए साल की चाहिए या टीक की चाहिए, जो भी चाहिए, ये हमको चाहिए 50। फिर थर्ड पॉइंट हमको चाहिए टेबल्स, टेबल्स ये चाहिए, नीम की चाहिए हमको, नीम की, तो ये हो गई मान लीजिए हमने ले लिया 100, ठीक है। तो ऐसे करके हमको हमारे पास में जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हम नीचे टेबल में मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नीचे डेडलाइन लिख देंगे, वी रिक्वायर दिस, वी रिक्वायर दिस टिल द एंड ऑफ दिस मे, फिर हम डेट लिख देंगे 30th of May 2020, इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद में आपको मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा प्लेसिंग ऑर्डर का फॉर्मेट, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर का फॉर्मेट। अब दूसरी चीज, प्लेसिंग ऑर्डर का फॉर्मेट हो गया, अब बात करते हैं इंक्वायरी का, लेटर फॉर इंक्वायरी, लेटर फॉर इंक्वायरी, ठीक है, लेटर फॉर इंक्वायरी, ये ध्यान रखिएगा, लेटर फॉर इंक्वायरी में सेम वही स्टार्टिंग का जो होता है फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट वही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कंटेंट हमारा होगा मैं बता रहा हूँ, वी आर प्लानिंग आवर स्कूल आर प्लानिंग टू विजिट दिस हिस्टोरिकल प्लेस, है ना, किसी मान लीजिए हिस्टोरिकल प्लेस में हम लोग जा रहे हैं तो ट्रैवल एजेंसी में कॉन्टैक्ट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में अपनी जितने भी डाउट्स होंगे, जैसे अकोमोडेशन कैसे होगा, स्टूडेंट्स को कैसे आप मैनेज करोगे, खाना पीना कैसे होगा,
ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जब वो भी होगा ना, आप लिख दोगे वीआर, आप लिख दोगे वी आर प्लानिंग टू दिस सिटी, टू दिस हिस्टोरिकल सिटी, जो भी नाम है सिटी का, डेट डाल देंगे कब जाना है, ठीक है, कहां से जाना है, फ्रॉम टू, ठीक है, डेट, सिटी, यहां पे सिटी का नाम, सिटी नेम, फ्रॉम, व्हेन, कब जाना है, व्हेन, ठीक है, और टाइम, ठीक। और यहां पे नीचे अपने जितने भी हमारी वो है क्वेरीज हैं, सब यहां पे लिख देंगे, जितनी भी क्वेरीज है, है ना, कि अकोमोडेशन कैसे होगा, हाउ कैन यू मैनेज, हाउ डू मैनेज ऑल दी स्टूडेंट्स, हाँ, और क्या नाम है, अपनी जो जो शर्तें हैं वो सब भी लिख सकते हैं इसमें हम लोग, जितनी भी शर्तें हैं वो मैं अभी एग्जांपल लेके बताता हूँ, ओके। सो नाउ अब मूविंग टूवर्ड्स द एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल्स हैं मैं एक एक टॉपिक का एग्जांपल आपको बताऊंगा सारे लेटर्स का, ओके। जी तो अब हम बात करने वाले हैं प्लेसिंग ऑर्डर्स की, ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट, यू आर द स्टोर इंचार्ज ऑफ बीपीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरठ, यू रिक्वायर वेरियस आइटम्स ऑफ फर्नीचर सच एज चेयर्स, डेस्क, अलमीराज एट्सेट्रा फॉर योर स्कूल। आप जो है स्टोर इंचार्ज हैं बीपीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरठ के, ठीक है, आपको अपने स्कूल के लिए फर्नीचर चाहिए जैसे कि चेयर्स, डेस्क, अलमीरा एट्सेट्रा, ठीक है। मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ द आइटम, राइट अ लेटर टू मेसर्स चड्डा फर्नीचर हाउस, 15 करोल बाग, दिल्ली, प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ फर्नीचर, ठीक है, आस्क फॉर द अवेलेबल डिस्काउंट ऑन द परचेज। आपको मेसर्स चड्डा फर्नीचर हाउस के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक लेटर लिखना है, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिखना है, और डिस्काउंट के लिए भी बोलना है इस परचेज के ऊपर। तो यहाँ से लेकर के मैंने बताया था ना पहले से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी फॉर्मेट है सब चीज़ कॉमन होता है हर लेटर में। सेंडर्स एड्रेस, डेट हो गई, हाँ, ये रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, ठीक, सब में एक एक लाइन का गैप है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है, वी रिक्वायर वेरियस टाइम्स वेरियस आइटम्स फॉर फर्नीचर फॉर द स्कूल, ऑफ द कोटेशंस दैट वर इन्वाइटेड फॉर द पर्पस, योर रेट्स आर द लोएस्ट, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें फर्नीचर चाहिए अपने स्कूल के लिए, ठीक है, और आपके जो जो रेट्स हैं वो काफ़ी लोएस्ट हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आपको एक बल्क ऑर्डर दें फर्नीचर के लिए, फर्नीचर के लिए चेयर, डेस्क, अलमीरा का बल्क ऑर्डर दिया जाए, ये हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो जी यहाँ से लेकर के वी रिक्वायर से लेकर के ये जो चेयर्स तक की, ये एट्सेट्रा तक की जो लाइन है, यहाँ तक पूरा सेम होता है, बस आपको आइटम्स का डिफरेंट करना होता है हर प्लेसिंग ऑर्डर में। अगर मान लीजिए किसी प्लेसिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए कि बुक्स की शॉर्टेज हो गई है, तो बुक्स का आप प्लेसिंग ऑर्डर लिख रहे हो, तो बुक्स अलग अलग ऑथर की बुक्स चाहिए होंगी, तो बुक्स का नाम यहाँ पे लिख देंगे, फर्नीचर की जगह बुक्स लिख देंगे, बुक्स के ऑथर का नाम लिख देंगे, ऐसे बस चेंज कर देंगे, बाकी पूरी लाइन सेम होगी, ठीक है। वी अप्रिशिएट द 10% डिस्काउंट दैट यू आर ऑफरिंग ऑन द परचेज, बट वी वुड एक्सपेक्ट 5% एडिशनल डिस्काउंट दैट इज यूजली गिवन टू द इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। तो आप जो हमें 10% डिस्काउंट दे रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं, यानी कि वी आर वेरी थैंकफुल, आपको आपके इस 10% डिस्काउंट को अप्रिशिएट करते हैं, बट हम जो है 5% एडिशनल डिस्काउंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, जो कि इंस्टीट्यूशनल्स को, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया जाता है, ठीक है। जो भी डिटेल्स आइटम है उस जो डिटेल जो भी आइटम हमको चाहिए हैं उसकी हम डिटेल नीचे आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें है चेयर्स, डेस्क, मैंने अभी सॉफ्ट बोर्ड वाइट बोर्ड में जो बताया था ठीक वैसे ही है, टेबल बनेगी, चेयर्स चाहिए किस वुड की, टीक की, और नंबर 200, जितनी भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको इस टेबल में लिखनी है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको नीचे से अपनी डेडलाइन लिख देनी है कि आपको कितनी कब तक ये चाहिए, ऑल द आइटम्स मस्ट रीच इन प्रॉपर शेप एंड साइज बिफोर 20th of March बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू सेशन, ठीक है। तो 20th of March से पहले पहले हमको सब चीज़ प्रॉपर शेप एंड साइज में चाहिए, ताकि न्यू सेशन हम अच्छे से स्टार्ट कर सकें। तो अपना यहाँ पे योर्स फेथफुली रामचंद्र, अपना नाम, स्टोर इंचार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेसिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल। तो जी अब बात करते हैं लेटर्स फॉर इंक्वायरीज एंड आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। जो भी मान लीजिए हम, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है,
कि यू आर जॉन एंड उर्मिला द टूर इंचार्ज ऑफ ग्रैंड पब्लिक स्कूल आगरा। आप जो है जॉन हैं, उर्मिला हैं, टूर इंचार्ज ऑफ कौन से स्कूल की? ग्रैंड पब्लिक स्कूल आगरा के। आपका समर ब्रेक के दौरान आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक हिस्टोरिकल टूर, जो भी हिस्टोरिकल सिटी पे होगा एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू द नेशनल ट्रैवल एजेंसी को आपको लेटर लिखना है आगरा में, और इंक्वायरी करनी है किस चीज़ की, चार्जेस की, फैसिलिटीज़ की, और जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं उसकी आपको इंक्वायरी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सेंडर एड्रेस, अपना ये डेट हो गई, और ये रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, ये सब आपका सब दिया गया होगा, मेंशनड होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये सब कॉमन है हर लेटर में, इतनी चीज़ें। फिर सैल्यूटेशन हो गया, फिर हम लोग अपने सीधा कंटेंट पे बात करेंगे। ग्रैंड पब्लिक स्कूल आगरा इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एक हिस्टोरिकल प्लेस है आगरा के पास में, तो ग्रैंड पब्लिक स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है टूर फतेहपुर सीकरी के लिए, ठीक है। वी आर ग्रुप ऑफ 70 स्टूडेंट्स, जो हमारा जो ग्रुप है वो 70 स्टूडेंट्स का है, जिसमें कि 7 टीचर्स एंड 4 प्यून्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वी प्लान टू लीव आगरा फॉर फतेहपुर सीकरी अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने प्लान किया है कि आगरा से हम फतेहपुर सीकरी जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। कब जाएंगे? 25th ऑफ जून। ये आपको डिटेल्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है और कब जाना है, ठीक है। यू विल अरेंज फॉर द कम्फर्टेबल स्टे फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आपको अरेंज करनी होगी कंफर्टेबल स्टे किसके किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए। वी एक्सपेक्ट अ रीजनेबली क्लीन एंड अफोर्डेबल अकोमोडेशन इन अ गुड होटल, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा साफ और अफोर्डेबल अकोमोडेशन हो हमारा एक अच्छे होटल में। डॉर्मेटरीज फॉर स्टूडेंट्स कैन बी मैनेज। डॉर्मेटरी मीन्स जो प्लेस जहाँ पे एक लार्ज रूम जहाँ पे काफ़ी लोग अच्छे से सो सकें, ठीक है। मतलब काफ़ी जो बड़ा रूम होता है उसको डॉर्मेटरीज कहते हैं, ठीक है। वो मैनेज हो जाएंगी। और हाउएवर टू सेपरेट रूम्स विद अटैच बाथ आर नीडेड फॉर द टीचर्स। दो सेपरेट कमरे चाहिए होंगे और अटैच बाथरूम के साथ में फॉर द टीचर्स। काइंडली फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द चार्जेस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय यू ड्यूरिंग अवर स्टे, ठीक है। तो हमारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमने नीचे लिख दी हैं, जितनी भी क्वारीज हैं वो नीचे लिख दी हैं। प्लीज़ उसको जस्टिफाई करें, प्लीज़ उसका हमें क्लियर करें, ठीक है। तो हम लोगों ने नीचे क्वेश्चन लिख दिए हैं। हाउ विल यू अकोमोडेट 70 स्टूडेंट्स? 70 स्टूडेंट्स को आप अकोमोडेट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, उसके चार्जेस कितने होंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कैसे होगा और कितना पर हेड होगा, एयर कंडीशनर लग्जरी बसेस और उसके चार्जेस कितने होंगे, है ना। बाकी सारी जितनी भी एक कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो वो अपने तरफ से आप हमें दे सकते हैं, ठीक। इतना बहुत सफिशिएंट है, ठीक है, अप टू द मार्क है पूरा। यू आर फेसफुली जॉन टूर इंचार्ज। तो ये था हमारा लेटर्स फॉर इंक्वायरी वाले हैं बिजनेस कंप्लेंट्स की। ये जो लेटर मैं लिखना भूल गया था, टाइप जिस था इसका वो लिखना भूल गया था व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी फॉर दैट। सो अब हम बिज़नेस कंप्लेंट्स के बारे में देखते हैं कि बिज़नेस कंप्लेंट्स जो होता है बिज़नेस लेटर में वो कैसे लिखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो मैं देखता हूँ। यू आर नवनीत ऑफ 65 PH रोड मैंगलोर। रिसेंटली यू बॉट अ मोबाइल फ्रॉम द फोन पॉइंट 83 माउंट रोड मैंगलोर। द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ ऑफ परचेज। राइट अ लेटर टू द डीलर गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड आस्किंग हिम और टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द सेट, ठीक है। आपका नाम नवनीत है, ठीक है, आपका एड्रेस दे रखा है, आपने रिसेंटली एक मोबाइल फ़ोन लिया था, कहाँ से? द फोन पॉइंट से, उसका भी एड्रेस दे रखा है, ठीक है। द फोन इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉब्लम करने लगा है वो एक ही मंथ में परचेस करने के बाद, तो आपको उसकी कंप्लेन लिखनी है द फोन पॉइंट पे, और आपको बताना है कि आप जो डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करेंगे कि नहीं या फिर रिप्लेस करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर में फिर से वही चीज़ जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सेंडर एड्रेस है ना, फिर से वही कॉमन जो हर लेटर में होता है, ठीक है। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। फिर यहाँ पे अपना कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, बट टू द पॉइंट होना चाहिए, याद रखिएगा, अपनी लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए। आई परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम द फोन पॉइंट मैंगलोर ऑन 25th ऑफ जून 2018। डेट मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है कि आपने किस डेट को
लिखा था, मतलब दिया ख़रीदा था। ठीक है, आई एम कंस्ट्रेंड टू एक्सप्रेस माई रिसेंटमेंट एंड डिसमे बिकॉज द मोबाइल फ़ोन बिकम सून अ ग्रेट इरिटेंट फॉर मी। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ोन है वो मेरे लिए एक इरिटेशन बन गया है। ठीक है, द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ ऑफ इट्स परचेज। जो प्रॉब्लम वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो फ़ोन इंस्ट्रूमेंट था, जो मोबाइल फ़ोन था, वो एक मंथ के अंदर ही अंदर प्रॉब्लम करने लगा है। द साउंड इज़ क्वाइट जैरिंग एंड समटाइम्स इवन इनऑडिबल। जो साउंड है उस मोबाइल फ़ोन की, वो बहुत बार ऐसे करके आवाज़ आती है, वाइब्रेट होती है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी इनऑडिबल भी होती है। आई फील हैंडीकैप्ड इन हैविंग अ क्लियर एंड पीसफुल टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। ठीक है, मेरे को कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि मैं हैंडीकैप फील कर रहा हूँ जब मैं बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स से और एक्वेंटेंसेस के आस पड़ोस के लोगों से। इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग टू रिमाइंडर्स यू हैव नॉट शोन एनी इंटरेस्ट और अर्जेंसी इन द मैटर, इट इज़ रियली क्वाइट अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट। ठीक है, मेरे दो रिमाइंडर भेजने के बावजूद आपने कोई इंटरेस्ट और अर्जेंसी अभी तक इस मैटर पर नहीं दी है। ठीक है, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था और अनफॉर्चुनेट है। द फोन पॉइंट इन्जॉयज अ गुड रेपुटेशन एंड गुड विलिंग अमंग इट्स कस्टमर्स। जो फ़ोन पॉइंट है, जिस कंपनी से मैंने लिया है, जहाँ से मैंने लिया है, वो एक अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी है, हाँ, और उसके कस्टमर्स भी उनकी अच्छी रेटिंग देते हैं। सच डील्स गो अगेंस्ट योर एस्टैब्लिश्ड नेम एंड फेम। ऐसी डिटेल्स जो हैं, ऐसी जो डील्स हैं जो मेरे साथ हुई आज, वो आपके फेम को, नेम को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आई होप यू रेक्टिफाई द डिफेक्ट एट द अर्लीस्ट, इफ़ नॉट पॉसिबल देन रिप्लेस द डिफेक्टिव सेट। मैं आशा करता हूं कि जो डिफेक्ट हुआ है वो जल्द से जल्द रेक्टिफाई करा जाए, ठीक करा जाए। अगर नहीं होता है तो डिफेक्टिव सेट को रिप्लेस करा जाए, अर्लीस्ट द बेटर, जितना हो सके उतना अच्छा होगा। योर फेथफुली नवनीत। ठीक है, तो इतना था हमारा बिजनेस लेटर का, बिजनेस कंप्लेंट जितनी भी होती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कैंसलिंग ऑर्डर्स की। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। यू आर सेल्स मैनेजर ऑफ डायमंड शूज़ न्यू दिल्ली। यू प्लेस्ड अ बल्क ऑर्डर विद मेसर्स रेनबो शूज़ आगरा फॉर द सप्लाई ऑफ द शूज़। ठीक है, आप क्या हो, एक सेल्स मैनेजर हो डायमंड शूज़, कहाँ के, न्यू दिल्ली के। आपने एक बल्क ऑर्डर प्लेस किया है विद किसके साथ, मेसर्स रेनबो शू आगरा कंपनी के साथ में, फॉर द सप्लाई ऑफ शू। ठीक है, द फर्म फेल्ड टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर In spite of your repeated reminders, write a letter to Rainbow Shoes Agra informing that you have cancelled your order. मतलब जो कंपनी थी वो फेल्ड हो गई है आपका बल्क ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। आपने बहुत सारे रिमाइंडर्स भी उसको दिए, लेकिन वो बल्क ऑर्डर आपको दे नहीं पाई, है ना, दे नहीं पाई। तो आपको, आपने क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है that you have cancelled your order, आपने order जो है cancel कर दिया है। ठीक है, तो इसका answer देख लेते हैं। answer ये है कि आपने सबसे पहले इसमें sender's address ले लिया, अपना address, फिर उधर date हो गई, है ना, फिर यहाँ पे अपना receiver's address, subject और ये salutation, फिर आप content लिखेंगे। content to the point होना चाहिए हर letter में, जैसे होता है, no कहानी at all। ठीक है, तो we have been your regular customer for a long time, हम आपके पुराने customer रह चुके हैं और हैं। We placed a bulk order for the supply of shoes of different kind on 25th November 2018. हमने एक bulk order place किया था बहुत सारे different shoes का। कब किया था, 25th November 2018 में। ठीक है, the order was to be executed before 10th of Feb 2019। जो order था वो execute होना चाहिए था 10 फरवरी से पहले। However, we received no consignment even after the expiry of a month। लेकिन हमें कोई भी आपसे जवाब नहीं मिला जब तक जो मंथ है फरवरी का वो ख़त्म भी हो गया, उसके बावजूद हमें कोई आपसे रिप्लाई नहीं मिला। हाउएवर वी रिसीव नो कंसाइनमेंट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ मंथ। आप जो जब मंथ एक्सपायर हो गया उसके बाद भी हमको कोई कंसाइनमेंट आपसे नहीं मिला, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वी केम टू नो दैट वर्कर्स ऑफ योर फैक्ट्री वर ऑन स्ट्राइक। हमको पता चला कि आपकी फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। यू assured us that the order would be executed within next 15 days. आपने हमें assure किया था कि अगले 15 दिनों में आप हमें order अपना, हमारा जो order है वो place कर देंगे, हमें deliver कर देंगे। We condemn the delay keeping in view our previous good business relations.
मैंने आपकी बात मानी और जो पुराने हमारे गुड अच्छे रिलेशन थे उसके तौर पर मैंने आपकी बात मान ली थी, बट वी आर कंस्ट्रेंड टू इन्फॉर्म यू दैट द सेड ऑर्डर बी ट्रीटेड एज कैंसिल। हमने जो आपको ऑर्डर दिया था वो हम कैंसिल कर रहे हैं। वी नीडेड द सप्लाई ऑफ शूज़ बिफोर द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर द नेक्स्ट सेशन। हमको वो शूज़ उससे पहले चाहिए थे जबकि जो स्कूल है वो नेक्स्ट सेशन के लिए चालू हो, उससे पहले हमको शूज़ की सप्लाई चाहिए थी। द मंथ ऑफ मार्च इज़ द पीक सीज़न। जो मंथ होता है मार्च का वो पीक सीज़न होता है किसी भी शूज़ को सेल करने के लिए। चिल्ड्रंस का जो शूज़ होते हैं वो इस टाइम पे मैक्सिमम सेल होती है। द सीज़न इज़ ऑलरेडी ओवर। आई होप द कैंसिलेशन ऑफ द सेट ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट आवर कॉर्डियल बिजनेस रिलेशन इन फ्यूचर। मैं आशा करता हूँ कि अभी जो केस हुआ है कैंसिलेशन का, और आशा करता हूँ कि आगे जो हमारे फ्यूचर डील्स होंगी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। योर फेथफुली सोहल लाल, सेल्स मैनेजर। तो ये था हमारा एग्जांपल कैंसिलिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो इस टाइप का आप इस लैंग्वेज जिसमें से आप पकड़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंसिलिंग ऑर्डर जो है अलग अलग टॉपिक पे होते हैं, तो उसको आप लैंग्वेज इसकी पकड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी है जो हर लेटर पे लिखी जा सकती है। नाउ मूविंग टू द लेटर सेंडिंग रिप्लाइज अगेंस्ट ऑर्डर्स और इंक्वायरीज, ठीक है। तो यू आर अक्षय अदिति, सेल्स मैनेजर ऑफ भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड दिल्ली। आप हो अक्षय या अदिति, सेल्स मैनेजर ऑफ भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड दिल्ली। आप सेल्स मैनेजर हो कहाँ के? भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड के, दिल्ली में। यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द स्पोर्ट्स टीचर ऑफ विजडम पब्लिक स्कूल दिल्ली के। आपको एक लेटर मिला है कहाँ से? विजडम पब्लिक स्कूल का, एक स्पोर्ट्स टीचर का दिल्ली में, हु प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ द स्कूल 2 months ago, जिसने 2 महीने पहले आपको स्कूल की तरफ से एक लेटर भेजा था, एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द अनडिले इन द सप्लाई फ्रॉम योर एंड। उन्होंने इसमें लिखा है कि आपकी तरफ से अनड्यू डिले हो रहा है आपकी तरफ से सप्लाई की वजह, आप जो है टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे, बहुत डिले हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको अनड्यू डिले का रीज़न बताना है, कॉज बताना है, और प्रॉमिस करना है कि आपकी जो डिलीवरी है वो जल्द से जल्द करवा दी जाएगी, ठीक है। तो इसका आपके ऊपर लेटर लिखना है। फिर यहाँ पे अपना सेंडर है, सेंडर एड्रेस हमारा एड्रेस, ये हमारा डेट हो गई, ये रिसीविंग एड्रेस। नाउ अब बात करें कि सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हो गया हमारा डिले इन द सप्लाई, हमारा सब्जेक्ट ये है। नाउ सर रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 15th March 2018। हमें आपका लेटर जो है वो 15 मार्च को 2018 को मिला। वी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनऑर्डिनेट डिले इन द सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स टू यू। हम एक्सट्रीमली सॉरी हैं, बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारी तरफ से बहुत डिले हो गया स्पोर्ट्स गुड्स का, स्पोर्ट्स के सामान का। नाउ वर्स्ट इज़ ओवर, जो बुरा था वो ख़त्म हो चुका है। वी प्रोमिस द डिलीवरी ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स ऑर्डर बाय यू ऑन 27/3/2019। हम प्रोमिस करते हैं कि 27 मार्च 2019 तक ये जल्द से जल्द आपके पास में डिलीवरी हो जाएगी। वी अप्रिशिएट योर कंसर्न एट द अनड्यू डिले इन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। हम आपके कंसर्न के लिए अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, बट अनअवॉइडेबल टर्न ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांसेस केप्ट आवर हैंड्स टाइड। बट जो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे उनकी वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। वी हैड सम लेबर प्रॉब्लम, हमारे पास में लेबर प्रॉब्लम थी जो कि स्ट्राइक पे चली गई थी, और हमने बहुत अपना बेस्ट किया कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, बट वी वर फेल्ड, हम फेल हो गए, ठीक है। डेडलॉक भी हम कवर करना चाहते कि डेडलॉक से पहले हम ऑर्डर डिलीवरी कर दें, लेकिन हम फेल हुए। और फिर क्या लिखा हुआ है? दे रिज्यूम्ड वर्क ओनली अ फ्यू वीक अगो। उन्होंने एक वीक पहले ही काम को रिज्यूम किया है, फिर से वापस आए हैं वर्क पे। नाउ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अब फिर से सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। द स्पोर्ट्स गुड्स ऑर्डर्ड बाई यू विल बी डिलीवर्ड विद इन अ वीक विदाउट एनी फर्दर डिले। जो आपने ऑर्डर स्पोर्ट्स गुड का किया था वो एक वीक के अंदर आपके पास में आ जाएगा, आप परेशान ना हो, कोई भी फर्दर डिले नहीं होगा। आई होप दिस अनइंटेंशनल लैप्स ऑन अवर पार्ट विल नॉट शोर अवर गुड अवर रिलेशंस। जो इस केस में हमारी वजह से, हमारी साइड से जो भी कमी रह गई हो, वो हमारे जो गुड, जो अच्छे पुराने रिश्ते हैं उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। तो थैंक यू फॉर बेरिंग विद अस, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। योर फेसफुली अक्षय। तो ये था हमारा एग्जांपल रिप्लाइंग टू द प्लेसिंग ऑर्डर्स और इंक्वायरीज, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो, होप यू एंजॉय दैट यार।
प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, जितना भी हो सके करो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू सो मच.